स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको अपना करियर इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के लाइन में बनाना है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। हर एक चीज रिलेटेड टू ENTC इस वीडियो में मैं कवर करूंगा, तो बिना किसी देरी के इस कोर्स की तरफ अभी हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम जान लेते हैं BE ENTC कोर्स आखिर होता क्या है। देखिए, BE ENTC एक टेक्निकल डिग्री प्रोग्राम है जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिजाइन और विकसित करने में काम आता है। स्टूडेंट्स यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, VLSI डिजाइन, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड एम्बेडेड सिस्टम जैसे कुछ एरियाज में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। एक ENTC इंजीनियर के रूप में आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेटिव सिस्टम्स के कुछ फील्ड्स में आप काम कर सकते हो और दुनिया भर के ENTC हाई पेइंग जॉब्स को आप हासिल कर सकते हो। आगे बात करते हैं ड्यूरेशन के बारे में। देखिए, ये जो पूरे कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 4 साल का रहता है। मतलब 4 साल में इसमें आपको ENTC से जुड़ी हर एक चीज इसमें आपको डिटेल में सिखाई जाएगी और टोटल यहाँ पे आपके 8 सेमेस्टर्स कंडक्ट किए जाएंगे। इस कोर्स के फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करवाई जाती है जिसकी मदद से स्टूडेंट्स अपने रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में कुछ इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट सपोर्ट वो प्रोवाइड करवाती हैं जिसके मदद से स्टूडेंट्स अपनी पहली जॉब डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन के थ्रू वो पा सकते हैं। आगे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। देखिए, इस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए आपकी 10+2 आपका 12th होना जरूरी है। 12th में आपकी साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। परसेंटेज की बात करें तो देखिए, परसेंटेज डिपेंड करता है कॉलेजेस के ऊपर, आप अपना एडमिशन कौन से कॉलेजेस में करवाते हो, पर भी मिनिमम आपके 50-60% मार्क्स आपके होने चाहिए एक अच्छे डिसेंट कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए। आगे बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में। देखिए, बहुत सारे इंडिविजुअल कॉलेज है जो अपना एंट्रेंस एग्जाम वो कंडक्ट करवाती है, उन एंट्रेंस एग्जाम को आप क्लियर करके टॉप कॉलेजेस में आप अपना एडमिशन आप करवा सकते हो। आगे बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। देखिए, इसका जो पहला स्टेप है वो है अपने मनपसंद कॉलेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपने कॉलेज का जो क्राइटेरिया है आप वो फुलफिल कर पा रहे हो या फिर नहीं। सेकेंड स्टेप में इसमें आपको अपने कॉलेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसमें फिल करना है, ऑनलाइन वे में या फिर पर्सनल वे में। थर्ड स्टेप में इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है जैसे कि मार्कशीट, सर्टिफिकेट्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ स्टेप में इसमें आपको एप्लीकेशन की जो फीस है वो इसमें आपको पे करना है और फिफ्थ स्टेप में इसमें आपको वेट करना है अपने इंस्टीट्यूशन का एडमिशन लिस्ट का रिलीज होने का। आगे बात करते हैं सैलरी के बारे में। देखिए, इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में एक एंट्री लेवल के तौर पे, एक फ्रेशर के तौर पे आप 3.5 लाख पर ईयर तक आप कमा सकते हो। जैसे जैसे आपके रिलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस लेवल बढ़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आप अपने करियर में एक मिड लेवल तक पहुंचोगे, वैसे आपकी जो सैलरी है वो 8 लाख से लेकर 10 लाख तक पर ईयर तक की जा सकती है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से जॉब प्रोफाइल पे और कंपनी में आप काम करते हो। एक बार आप अपने रिलेवेंट फील्ड में प्रॉपर एक्सपीरियंस आप गेन कर लेते हो, फिर आप मैनेजमेंट रोल की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद में जो आपकी जो सैलरी है वो 12 लाख या उससे भी ज्यादा जा सकती है पर ईयर तक की। आगे बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें इसमें आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें आपको डिजिटल डिजाइन फंडामेंटल्स के बारे में इसमें आपको सिखाया जाएगा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में इसमें आपको बताया जाएगा, डेटा कम्युनिकेशन हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड एप्लीकेशंस, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस, VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, वायरलेस कम्युनिकेशन एंड मोबाइल कंप्यूटिंग जैसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो इस कोर्स में आपको सीखने को मिलेंगे। आगे बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप कौन से जॉब प्रोफाइल पे आप काम करोगे। चलिए देखते हैं। तो आप टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर के तौर पे आप काम कर सकते हो जो डिजाइन करता है कम्युनिकेशन सिस्टम्स को। आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के तौर पे आप काम कर सकते हो जो डेवलप करता है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को। एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर हो गया जो डिजाइन करता है स्मार्टफोन्स एंड लैपटॉप्स के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर्स को। VLSI इंजीनियर जो डिजाइन करता है चिप्स को जो यूज की जाती है कंप्यूटर्स एंड स्मार्टफोन्स में। सिग्नल प्रोसेसिंग इंजीनियर जो इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ ऑडियो वीडियो एंड अदर सिग्नल्स। कंट्रोल सिस्टम इंजीनियर जो डिजाइन करता है सिस्टम्स को जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाए दूसरे प्रोसेसेस को। तो ये थे कुछ जॉब प्रोफाइल्स जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में। आगे बात करते हैं रिक्रूटिंग एरियाज के बारे में कि इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में आप कौन से एरियाज पे आप काम करोगे। तो चलिए देखते हैं।
तो आप टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री के एरियाज पे आप काम कर सकते हो। एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन जैसे बहुत सारी कंपनीज है जो ENTC ग्रेजुएट्स को वो हायर करती है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में काम करने के लिए। जो हमारा सेकेंड एरिया है वो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि इंटेल, सैमसंग, फिलिप एंड टेक्सस इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कंपनी से जो हायर करते हैं ENTC इंजीनियर्स को, एक ऐसे स्टूडेंट्स को जिनकी एक्सपर्टीज है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन एंड फैब्रिकेशन में। जो हमारा थर्ड एरिया है वो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है जैसे कि बॉश, कॉन्टिनेंटल एंड हार्मन इंटरनेशनल जो रिक्रूट करते हैं ENTC ग्रेजुएट्स को कि वो उनके व्हीकल्स के लिए एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और डेवलप कर पाए। तो ये थे कुछ एरियाज जिनमें आप काम कर सकते हो इस कोर्स को कम्प्लीट करने के बाद में। आगे बात करते हैं कॉलेजेस के बारे में जो इस कोर्स को वो प्रोवाइड करवाती हैं, जैसे कि पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो आता है पुणे में, DJ संघवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरटकल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो आता है दिल्ली में। तो ये थे कुछ टॉप के कॉलेजेस। अगर आपका इन टॉप कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है तो आगे जाके आपको प्लेसमेंट मिलने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं कुछ टॉप के रिक्रूटर्स के बारे में जो इस कोर्स के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं, जैसे कि टाटा कम्युनिकेशंस, बॉश, क्यूएलकॉम, जनरल इलेक्ट्रिक, इंटेल, साइमंस, इरिक्सन जैसे कुछ टॉप के रिक्रूटर्स है जो BE इन ENTC के स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं। तो इस वीडियो में मैंने हर एक चीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी कवर करने की कोशिश की है। तो आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनको इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन का कोर्स करना है। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में बनाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं किसी अगले नए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।